तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीरस की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि मकाई वर्ल्ड से आने के बाद बीरस क्या करता है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ड्यूमर्गस पूरी तरीके से मना कर देता है कि उस मॉन्स्टर के रिलीज के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, पर जैसे ही हमारे हीरोज वहां से जाते हैं हम देखते हैं कि ड्यूमर्गस एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है, टैरन तुम्हारी डिस्ट्रक्शन अब शुरू हो चुकी है। इसके बाद हम बीरस के प्लैनेट पर वापस आते हैं और हम देखते हैं कि बीरस अपने प्लैनेट पर वापस आ चुका होता है। बीरस को अपने प्लैनेट के लोगों की मौत का काफ़ी सारा दुख है और वो इफेक्ट मलबे के बीच में सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए मदद कर रहा होता है। हम देखते हैं कि बीरस का भाई चैंपा भी उसके साथ है और वो भी उसकी मदद कर रहा है। तभी एकदम से बीरस बोलता है कि यहाँ पर पास में ही एक लेडी की शॉप थी जो कि मुझे अपनी शॉप पर सोने देती थी ताकि मैं काम को अवॉइड कर सकूँ। चैंपा बोलता है कि यहाँ से कुछ ही गलियों दूर एक रेस्टोरेंट था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। वहाँ का ऑनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उसे मेरी काफ़ी फिक्र रहती थी, इसलिए वो मुझे काफ़ी बारी फ्री मील्स भी देता था। उस शॉप के फ्राइड चूहे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। इसके बाद बीरस डिमर्गस के बारे में सोचने लग जाता है। बीरस बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय उसका ज़रूर कुछ हाथ है। उसके चेहरे को देख के ही समझ आ रहा था कि उसने ज़रूर कुछ किया है। मैं सच में उसे उस दिन सबक सिखाना चाहता था। फिलहाल मैं उस दुनिया में नहीं जा सकता, ये काफ़ी बुरी बात है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पर एक बूढ़ी विच आ जाती है। वो बोलती है, कैसे हो बच्चों। बीरस एकदम से बोलता है, बुढ़िया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो विच बोलती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, पर जहाँ पर भी तबाही के साइंस होंगे मैं वहाँ पर वॉर्न करने के लिए पहुँच जाती हूँ। ये प्लैनेट नहीं बल्कि ये यूनिवर्स, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही आने वाली है। बीरस बोलता है, अम्मा तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। वो विच बोलती है कि जैसे ही यहाँ पर वो डीमन किंग आएगा यहाँ पर एक भी ऐसी दीवार नहीं होगी जो कि टूटी हुई नहीं होगी। उसकी पनौती यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुकी है और जैसे ही वो खुद यहाँ पर आएगा वो कम्प्लीट हो जाएगी। बीरस बोलता है, क्या क्या तुमने डीमन किंग कहा। विच बोलती है कि हाँ, जैसे ही वो डीमन किंग खुद को आज़ाद कर लेगा एग्जिस्टेंस में इस वक्त जो भी चीज़ है वो फिर से नई तरीके से बनेगी, इसीलिए उसे रोकने की ज़रूरत है, इसीलिए एक हीरो को खुद को वॉलंटियर करना होगा। बीरस बोलता है कि बकवास करना बंद करो, डिमर्गस अपने दुनिया को छोड़कर नहीं आ सकता। वो विच बोलती है कि जिस बीच ने यहाँ पर अटैक किया था छोड़ तो वो भी उस दुनिया को नहीं सकता था। ये बात सुन के बीरस सोच में पड़ जाता है। विच बोलती है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी समझदार हो और तुम मुझ पर बिलीव भी कर रहे हो। नौजवान मुझे ये बताओ कि वो डीमन किंग जो डिस्ट्रक्शन लाने वाला है क्या तुम उसे रोकने में इंटरेस्टेड हो। बीरस एकदम से परेशान होने लग जाता है और अपने सर पर हाथ रखता है। वो बोलता है कि मैं वहाँ पर वापस नहीं जा सकता। विच बोलती है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। चैंपा बोलता है, बीरस ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम वैसे भी गॉड्स के सामने अपनी ताकत को साबित करना चाहते हो और मैं भी, कैसा रहेगा कि इस बुढ़िया के पीछे हम मकाई वर्ल्ड में जाएं और उस डीमन किंग को संभाल लें। हम दोनों मिलकर उसे ज़रूर हरा पाएंगे और साथ ही साथ हम अपने यूनिवर्स और अपने प्लैनेट को भी बचा लेंगे। इसके बाद गॉड्स के पास कोई भी चारा नहीं रह जाएगा और उन्हें हमारे को रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। बीरस इसके बाद अपने मन में सोचता है कि ये दिक्कत काफ़ी बड़ी लगती है, मुझे मिस्टर टैरन को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, पर अगर उन्हें मैं ये बात बताता हूँ तो वो इस दिक्कत को एक ही झटके में ख़त्म कर देंगे और जीत का सारा क्रेडिट भी ले जाएंगे और एक बारी फिर से मैं गॉड्स के सामने अपनी ताकत को साबित नहीं कर पाऊंगा। बीरस इसके बाद विच के पास जाता है और बोलता है कि मुझे वहाँ पर लेकर चलो, अपने यूनिवर्स को बचाने वाला मैं ही होऊंगा, यानी कि महान बीरस। हम देखते हैं कि विच के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और इसके बाद वो विच बीरस और चैंपा को लेकर मकाई वर्ल्ड में चली जाती है। पर हम देखते हैं कि वो विच बीरस और चैंपा को काफ़ी दूर उतारती है। बीरस बोलता है, बुढ़िया तुम हमारे को गलत जगह पर लेकर आ गई हो, हमें इस दुनिया के गॉड के प्लैनेट पर जाना था। वो विच बोलती है कि ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए। तभी वो विच एकदम से उछलती है और उस पोर्टल के थ्रू वो वहाँ से चली जाती है। चैंपा बहुत सारा डर जाता है, वो बोलता है, बीरस मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। बीरस चिल्लाता है कि उस बुढ़िया ने हमें उल्लू बना दिया। हम देखते हैं कि बीरस और चैंपा पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है, पर कुछ मिनट बाद हम देखते हैं कि बीरस और चैंपा खड़े होते हैं और वो सारे के सारे मॉन्स्टर को हरा चुके होते हैं। चैंपा बोलता है, बीरस अब हमें कहाँ जाना है, अगला एग्जिट कहाँ पर है। बीरस इसके बाद आसमान की तरफ देखने लग जाता है। बीरस बोलता है, वो पोर्टल देख रहे हो वही हमारा एग्जिट है, पर अगर हम वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम चकनाचूर हो जाएंगे। चैंपा बोलता है कि तो क्या इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, अब हम क्या करें।
वीरस बोलता है कि मैं यहाँ पर डिमुर्गस को हराने आया हूँ और मैं वही करने वाला हूँ, चाहे इस पूरी दुनिया को पार करके मुझे उसके पास जाना पड़े। तभी हम देखते हैं कि वीरस की शैडो एकदम से डार्क लगने लग जाती है और उसमें से आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैम्पा और वीरस काफ़ी हैरान रह जाते हैं और एकदम से वो शैडो शेप लेने लग जाती है। वीरस अचानक से ही चौकन्ना हो जाता है और उस शैडो से दूर हो जाता है। वीरस बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे रिसीव करने के लिए ऑलरेडी तैयार थे। डिमुर्गस बोलता है कि मुझे जितना लगा था तुम उतने ही बेवकूफ़ हो। वीरस बोलता है, अच्छा तो यानी कि तुमने ही उस मॉन्स्टर को हमारी दुनिया में भेजा होगा उस विच की मदद से। डिमुर्गस बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई टूरिस्ट गाइड हूँ, अगर तुम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आकर ले लो। तभी हम देखते हैं कि वीरस और चैम्पा एकदम से मिलकर डिमुर्गस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों डिमुर्गस को एकदम से पंच मारने के लिए पहुंचते हैं, डिमुर्गस एकदम से गायब हो जाता है और अचानक से ही डिमुर्गस चैम्पा और वीरस के सामने आ जाता है और एकदम से आके चैम्पा को बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है। वो वीरस को भी पंच मारने की कोशिश कर रहा था पर वीरस अपने आप को बचा लेता है, पर चैम्पा काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीरस और डिमुर्गस एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारने लग जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के पंच को मार भी रहे होते हैं और रोक भी रहे होते हैं, पर वीरस को देख के क्लियरली लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। डिमुर्गस अचानक से ही लड़ते लड़ते अपने हाथ में एक स्पीयर ले आता है और वीरस की तरफ फेंकता है, पर वीरस किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि डिमुर्गस उसे पंच मारने के लिए बढ़ रहा होता है और तभी एकदम से चैम्पा भी उसी तरफ आ रहा होता है। वो बोलता है, वीरस संभाल के। चैम्पा बहुत ही ज़बरदस्त किक डिमुर्गस को मारने वाला होता है। वीरस चैम्पा की वार्निंग की वजह से सही समय पर रास्ते से हटने में कामयाब हो जाता है और चैम्पा बहुत ही ज़बरदस्त किक डिमुर्गस के मुँह पर मारने में कामयाब हो जाता है। वीरस भी तभी मौके का फ़ायदा उठाता है और बहुत तेज़ी से डिमुर्गस की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो भी जाके एक बहुत ही ज़बरदस्त किक डिमुर्गस को मारता है। तभी एकदम से डिमुर्गस ज़मीन से जाके बहुत ज़ोर से टकराता है। एकदम से चैम्पा और वीरस मिलकर काफ़ी सारे की ब्लास्ट बनाते हैं और एकदम से डिमुर्गस पर शूट करने लग जाते हैं। जैसे ही ये अटैक ज़मीन से टकराने लग जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा धमाका होने लग जाता है। चैम्पा बोलता है कि बहुत बढ़िया, लगता है हमने कर दिखाया। वीरस अभी भी उस तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो उससे बच पाया होगा। पर तभी हम देखते हैं कि डिमुर्गस बिल्कुल सही सलामत होता है। उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी। ये चीज़ देख के चैम्पा और वीरस बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। डिमुर्गस बोलता है कि बहुत ही बढ़िया कोशिश थी, अगर वो अटैक मुझे लग जाता तो हो सकता है कि मैं मारा जाता। लगता है तुम उतने बुरे नहीं हो जितना कि मैं सोच रहा था, पर ये कहने में मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारे सारे एफर्ट्स बेकार हैं। शायद तुम दोनों को ये लग रहा होगा कि तुम लोग एक साथ मिलकर मुझे हरा सकते हो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसकी वजह यह है कि तुम्हारे मन में मुझे मारने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। चैम्पा एकदम से चिल्लाता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि जो स्पीयर डिमुर्गस ने फेंका था वो अचानक से ही वापस आ जाता है और एकदम से चैम्पा के पेट के आर पार हो जाता है। चैम्पा के शरीर में से खून निकलने लग जाता है। वीरस एकदम से चिल्लाता है, चैम्पा। तभी एकदम से चैम्पा ज़मीन पर जाके गिर जाता है और तभी डिमुर्गस एकदम से वीरस के सामने आता है। डिमुर्गस असल में चैम्पा के पीछे था। एकदम से वीरस ज़मीन की तरफ देखता है और पता चलता है कि वो सिर्फ एक होलोग्राम था जो कि डिमुर्गस ने अपने मैजिक से बनाया था। डिमुर्गस बोलता है कि धूल खत्म होने से पहले मैंने तुम्हारे अटैक को डॉज कर दिया था और छुपते हुए मैं यहाँ पर आ गया। मैंने वहाँ पर एक होलोग्राम छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ। सच में ये काफ़ी सिंपल ट्रिक थी, पर यह भी तुम्हें डिसीव करने के लिए काफ़ी थी, और यही वजह है कि मैं तुम जैसे बच्चों से नहीं हारने वाला। वीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर में से एनर्जी निकलने लग जाती है। वो लगातार ताकतवर होता जा रहा होता है। वीरस डिमुर्गस को बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वीरस एकदम से अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ाता है और एक अटैक बनाने लग जाता है। और जैसे जैसे ये अटैक बड़ा हो रहा होता है, हमें पता चलता है कि ये अटैक किस एनर्जी से बना है। ये अटैक बना होता है हकाई की एनर्जी से। वीरस इस अटैक को बहुत ही बड़ा बना लेता है और एकदम से वो इस अटैक को डिमुर्गस की तरफ शूट करता है। डिमुर्गस इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं जानता था कि ये अटैक हकाई की एनर्जी से बना है। जैसे ही वो इस अटैक को छूता है, हम देखते हैं कि वो एकदम से एग्जिस्टेंस से मिटने लग जाता है। वीरस इसके बाद काफ़ी खुश होता है। वो बोलता है कि आखिर मैंने कर दिखाया, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी ज़्यादा हकाई की एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, पर चलो कोई बात नहीं, वो ठीक है क्योंकि मैंने उसे मार दिया। अचानक से ही वीरस का ध्यान किसी चीज़ पर जाता है। वो बोलता है कि वो क्या है। जहाँ पर डिमुर्गस मारा था वहीं पर एक छोटा सा क्रीचर दिख रहा होता है जो कि अचानक से ही बड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि ये डिमुर्गस ही है। डिमुर्गस बोलता है, बच्चे बहुत बढ़िया, मुझे लगा था कि मैं उस अटैक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा, वो काफ़ी ख़तरनाक था। वीरस बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो हकाई की एनर्जी की वजह से इरेज हो जाना चाहिए। डिमुर्गस बोलता है, बेवकूफ़, तुम्हारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इम्प्योर है। हम देखते हैं कि डिमुर्गस पहले की तरह ही बिल्कुल सही सलामत लग रहा होता है। तुम्हारा अटैक तुम्हारी ईगो और तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से बना था, इसलिए तुम्हारे अटैक में कोई भी बैलेंस नहीं था। सोच कर देखो कि क्या होगा अगर एक सुप्रीम डीमन किंग तुम्हारी एनर्जी को टच करेगा तो।
वीरस बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मेरे हकाई के अटैक ने तुम्हारी और ताकत बढ़ा दी? मुझे लगता है कि तुम बस इसी का इंतजार कर रहे थे, शुरुआत से तुम्हारा यही प्लान था। डिमुर्गस बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, वो मॉन्स्टर मैंने सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो तुम्हें उकसा सके और तुम्हें गुस्सा दिला सके। मुझे पता था कि टैरन अपने अप्रेंटिस को यहाँ पर भेजेगा। जब तुम यहाँ पर टैरन के साथ आए उतना ही काफ़ी था तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ नेगेटिव थॉट्स लाने के लिए। वीरस बोलता है कि यानी कि तुम उसी वक्त से मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो। डिमुर्गस बोलता है कि वैसे वो मेरे लिए काफ़ी आसान था, तुम्हारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला और इगोइस्टिक है, वो मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है। एक बार जब मैंने तुम्हारे माइंड को ट्रिक कर दिया तब मुझे सिर्फ वो स्विच को भेजना था ताकि वो तुम्हें यहाँ पर ला सके। सच में कितनी हैरानी की बात है कि तुम्हें इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि अचानक से ही तुम्हारे सामने कोई आ गया और वो तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए ऑफर भी कर रहा था। तुम्हें ये बात पहले ही सोचनी चाहिए थी कि कोई ऐसा शख्स जो कि दोनों दुनिया में ट्रैवल कर सकता है, हो सकता है वही उस मॉन्स्टर को लाया हो। तुम अपने गुस्से और ईगो के चक्कर में रियलिटी को नहीं देख पा रहे थे। वीरस बोलता है कि तो अब तुम ताकतवर हो गए हो, मुझे बताओ कि अब तुम क्या करोगे? अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो वो काम जल्दी करो, और ये बात ध्यान रखना कि जैसे ही मास्टर टैरन को इस बारे में पता चलेगा वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। डिमुर्गस बोलता है कि अगर मैं पहले टैरन को ख़त्म कर दूं तो ऐसा नहीं होगा। वीरस बोलता है कि भला तुम ऐसा कैसे कर पाओगी? मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त काफ़ी ताकतवर हो, पर तुम सोच भी नहीं सकते कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना ताकतवर होता है। डिमुर्गस बोलता है, तुम्हें पता है एक हकाईशीन को मारने का सिर्फ एक तरीका है। वीरस बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, यानी कि तुम लॉर्ड गाजा को मारने के लिए जा रहे हो। अगर सुप्रीम गाय को मार दिया जाए तो हकाईशीन भी मारा जाता है, पर मुझे ये बताओ कि ये तुम इस दुनिया से कैसे करोगे? डिमुर्गस बोलता है कि जिन लोगों ने इस दुनिया को बनाया है उन लोगों ने मॉन्स्टर्स के लिए इस दुनिया को छोड़ पाना इम्पॉसिबल बना दिया है। एग्जाम्पल के लिए आसमान में वो पोर्टल, उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है और कोई भी डीमन उसे तोड़ नहीं सकता, पर तुम्हारी ताकत के साथ ये कहानी काफ़ी बदल जाती है। हम देखते हैं कि डिमुर्गस अपने हाथ में एक अटैक बना रहा होता है और एकदम से डिमुर्गस इस अटैक को पोर्टल की तरफ शूट करता है। जैसे ही वो इस अटैक को पोर्टल पर शूट करता है वो पोर्टल अचानक से ही खुल जाता है और जो एनर्जी मॉन्स्टर्स को यहाँ से निकलने के लिए रोक रही थी वो अचानक से ही ख़त्म हो जाती है। हम देखते हैं कि इस दुनिया के सभी मॉन्स्टर्स पोर्टल को पार करके दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं। वीरस चिल्लाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डिमुर्गस एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है, वीरस तुम्हारा बहुत थैंक यू, सच में तुम एक हीरो हो हमारे डीमन किंगडम के लिए, जिसने आखिरकार हमें आज़ादी दिला दी जो हम इतने लंबे समय से चाह रहे थे। एकदम से डिमुर्गस वहाँ से गायब हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हारे लोगों को मारूंगा। वीरस अचानक से ही टूट जाता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके हाथों से क्या हो गया। वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है, वो बोलता है कि ये मैंने क्या किया? आखिर डिमुर्गस यूनिवर्स 7 में जाने के बाद क्या करेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।